फ्रेंड्स, आज हम पायलट बाबा के मंदिर पर आए हुए हैं। ये पायलट बाबा के नाम से फेमस है, जो बिहार के सासाराम शहर में पड़ता है, रोहतास ज़िले में। ये बहुत ही चर्चित मंदिर है। तो चलिए हम इस मंदिर को पूरा अंदर तक घुस कर देखते हैं अच्छी तरह से कि इसमें कैसा क्या है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति शंकर भगवान की है और ये ऊपर विष्णु भगवान का मूर्ति बनाया हुआ है। तो ये पायलट बाबा की मंदिर है। आपने शुरुआत में देखा होगा एक बड़ी सी मूर्ति जो शंकर भगवान की मूर्ति है, तो पायलट बाबा ये नाम से पड़ा। यहाँ मतलब पायलट बाबा एक बाबा थे तो है जिन्होंने ये सब बनवाया है। और यहाँ पर काफ़ी टूरिज्म लोग आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं जगह को। और ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है, आपने जो देखा अभी शंकर भगवान की मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी ऊंची है, गगनचुंबी है और इसके लोग देखने के लिए आते हैं। काफ़ी आकर्षण का केंद्र है ये बिहार का और ये सासाराम में पड़ता है। तो चलिए हम और अंदर तक घुस कर देखते हैं क्या क्या है, बहुत कुछ है देखने के लिए, आइए। ये इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से सभी प्रवेश करते हैं पायलट बाबा के मंदिर में। और ये आप देख सकते हैं जो शंकर भगवान की मूर्ति थी, हमने आगे से भी दिखाया था आपको। ये अंदर हम घुस चुके हैं, अभी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये देख रहे हैं चारों तरफ काफ़ी सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये काली की मंदिर है, मूर्ति है, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। और चारों तरफ ही कुछ न कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये सब। ये देखिए शंकर जी की मूर्ति को पीछे से। यहाँ पर काफ़ी टूरिज्म आते हैं घूमने के लिए, विदेशों से भी आते हैं, काफ़ी देखने लायक जगह है ये। ये सारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर तमाम देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही अच्छी तरह से नक्काशी किया गया है, बनाया गया है। और एक बीच में एक छोटा सा तालाब भी है, बनाया गया है। और ये आप देखिए, ये जो आपने फ्रंट से यानी कि सामने से शंकर भगवान की मूर्ति को देखा था, ये पीछे से देख लें। यहाँ पर काफ़ी कुछ काम अभी भी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, बहुत कुछ काम चल रहा है यहाँ पर और बहुत कुछ काम बाकी है और काफ़ी कुछ बन भी चुका है। काफ़ी कुछ बाकी होने के बावजूद भी ये काफ़ी सुंदर दिखता है और अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और विदेशी लोग भी यानी कि फॉरेन के लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं टूरिज्म के रूप में। ये बुद्ध की मूर्ति आप देख सकते हैं, ये भी अभी प्रोसेस पे है, मीन्स काम चल रहा है अभी। और वो सामने देख सकते हैं आप शेरों की मूर्तियाँ बनाई हुई है। और काफ़ी सुंदर है ये जगह, जगह जगह पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये बुद्ध की मूर्ति बन रही है अभी और ये अंदर भी काफ़ी सुंदर है नज़ारा यहाँ पर। ये झूमर है, काफ़ी सुंदर है ये भी, अभी इसका काम भी पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है काम इसमें होना। देख सकते हैं ये मंदिर, या चारों तरफ मंदिर है। ये शेरों की मूर्तियाँ, ये पीछे शेरों के पीछे भारत माता की मूर्ति है। ये जहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बन रही है उसके अंदर का नज़ारा है। ये दीवारों पे काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है। कहा जाता है कि पायलट बाबा का असली नाम कपिल सिंह राजपूत था। वो भारतीय सेना में एक पायलट के रूप में कार्यरत थे। एक विमान दुर्घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और वो पायलट से पायलट बाबा हो गए।
उस दुर्घटना के बाद, विमान दुर्घटना के बाद, अपने गुरु के आदेश पर वो हिमालय की तराई में 16 साल तक तपस्या किया और उसके बाद उन्होंने ज्ञान हासिल किया और फिर उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया अध्यात्म के बारे में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बत्तख भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये। तो ये था पायलट बाबा का मंदिर, आपने देखा होगा, आपने अच्छी तरह से देखा होगा और काफ़ी आनंद लिया होगा आपने। मुझे भी काफ़ी आनंद आया यहाँ पर आकर और ये सब देख कर। काफ़ी कुछ देखने के लिए यहाँ पर है और अभी भी बहुत कुछ बनाई जा रही है देखने के लिए, और हम फिर एक बार आएंगे यहाँ पर जब सब कुछ तैयार हो जाएगा और इसी तरह से आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे। और अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखना अच्छा लगता है दर्शनीय स्थानों का या प्लेस का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए फिर हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। अभी हम मंदिर से बाहर निकल आए हैं और ये बाहर काफ़ी दुकानें हैं चाट की, भेलपुरी की, पानीपुरी की,